मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन आप इस तरह खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, ये खतरा मैं उठा नहीं सकता। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं, मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है, ये गैर मामूली गाड़ी है, एक गैर मामूली इंसान के लिए, बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गैजेट लगे हुए हैं जो बम से लेकर पटाखे तक की खबर में मिल जाती है। लेकिन इस वक्त हम जा कहां रहे सर? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वागले, यहां हमारा घर है। यहां तो सिर्फ चारों तरफ जंगली जंगल नजर आ रहा है, रहने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। अभी नजर आ जाएगा बहादुर। ऐसा बंकर है जिसका आता पता सिर्फ हमें या एक हमारे खास आदमी खबरी लाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो कोई हवाई हमले का असर हो सकता है और ना किसी बम या बारूद का। दुश्मन तो क्या, हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वागले आओ, अब हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन, यहां से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। और वो देखो, वो एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहां हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं सच कहता हूं, मैं प्रलयनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब। और छोड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन तुम मोटे बहुत हो, थोड़ी चर्बी कम होने के बाद। यह अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए सर, चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम। हाँ, गुड वागले। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। शोभे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर वन फसल है, नंबर वन। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हापुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए, Thank you.
कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। लाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे मैं जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ, जीवन लाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए क्या हुकुम है सर? मुझे सिर्फ एक घंटे में ये बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहाँ हैं, और मुझे चार घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाईकमान का ऑर्डर है। वो रहता कहाँ है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहाँ है, मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ। सर वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। इधर तू बचता है उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त आज रात के खास समाचार ये है कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण बब्बन ने ही किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। हेलो, खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो हेलो, आंडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा। गुड गुड यो। नहीं, ये क्या कर रहे? नहीं,
बता दो। प्रोफेसर रंगास्वामी प्रलयनाथ के कब्जे में है। आखिर बबन ने मुंह खोल दिया।